दोस्तों, मैं पहले ही मोबाइल प्रोसेसर्स 32 बिट, 64 बिट, व्हाट इज रैम, i3, i5, i7, GPU, इन सभी के बारे में वीडियोस बना चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है वो भी चल रहा है। 14 जनवरी 2016 उसकी लास्ट डेट है। उसमें एंटर करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां पे जाके आप काफी सारे इंटरेस्टिंग इनाम जीत सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मिस्टर पवन होट्टी की, और उन्होंने काफी दिनों से हमको कहा था कि हम कैश मेमोरी के बारे में एक वीडियो बनाए। तो दोस्तों, आखिर कैश मेमोरी होती क्या है? देखिए, आपके कंप्यूटर में तीन तरह की मेमोरी लगी होती है। पहला, जो हम नॉर्मल स्टोरेज यूज करते हैं, जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है। दूसरा, जो आपकी रैम होती है। और तीसरा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है लेकिन सबसे कम होती है कैपेसिटी में। अब कैश मेमोरी तीन टाइप की होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपका जो प्रोसेसर होता है वो डुअल कोर होगा, क्वाड कोर होगा, ऑक्टा कोर होगा, वगैरह वगैरह। तो देखिए, हर एक कोर की दो जो मेमोरीज होती है वो सेपरेट होती है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 3 जो कैश होती है वो ज्यादातर ऐसा देखते हैं कि जो बाकी सभी जो कोर्स है वो सब शेयर करती है आपस में। लेवल 1 कैश जो होती है वो सबसे तेज होती है, वो प्रोसेसर के अंदर ही लगी होती है, अंदर ही बनी होती है बेसिकली वो स्टोरेज। लेवल 2 कैश अंदर भी हो सकती है और या फिर वो प्रोसेसर के नजदीक के दूसरी सेपरेट आईसी पे होगी, लेकिन प्रोसेसर और उस आईसी के बीच में एक हाई स्पीड बस होगी जिससे डायरेक्टली प्रोसेसर काफी तेजी से उसको एक्सेस कर पाएगा। और लेवल 3 कैश एक सेपरेट मेमोरी होती है जो कि रैम से करीब करीब डबल स्पीड की होती है, लेकिन वो मेमोरी सभी कोर्स के बीच में शेयर्ड होती है। तो अब आप कैश के टाइप्स तो समझ गए हैं, अब हम ये जानते हैं कैश काम में क्यों आती है, और मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाता हूं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप अपनी डेस्क पे कुछ काम कर रहे हैं। जो बैक ऑफिस है वहां पे सारी की सारी फाइल्स रखी हैं जिन पे भी आपको काम करना होता है, तो वो तो हो गया आपकी हार्ड ड्राइव। जो आपकी डेस्क है वो है आपकी रैम। तो जब भी आपको कोई काम करना पड़ता है, आप उठ के जाते हैं या प्यून को आप कॉल करते हैं और प्यून आपको अंदर से जाके वो फाइल्स लेके आ जाता है और आप अपने डेस्क पे रख के अपना काम कर लेते हैं। अब आपकी डेस्क जितनी बड़ी होगी आप उतनी ज्यादा फाइल्स एक साथ काम कर पाएंगे, तो वो तो आप रैम वाला एग्जांपल समझ गए हैं। आपकी जो ड्रॉअर्स है उस डेस्क में, आप मान लीजिए कि वो कैश मेमोरी है। वो छोटी है लेकिन वो इजीली एक्सेसिबल है, आपके एकदम रीच में है। आपने ड्रॉअर खोला, अपना काम का सामान निकाला और आपने काम कर लिया। अब उन ड्रॉअर्स में आप वो सामान रखते हैं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है दिन भर, चाहे वो स्टेपलर हो, चाहे वो कोई स्टैंप हो, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो एक प्रपोजल हो। तो वो जो ड्रॉअर्स हैं वो है आपकी कैश मेमोरी। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या होता है, जो आपका सीपीयू है उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का यूज करना पड़ता है, उसको बहुत सारा डेटा को रीड और राइट करना पड़ता है। तो कैश मेमोरी वो सभी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जिनकी बार बार जरूरत पड़ती रहती है, वैसे डेटा को अपने पास स्टोर रखती है। अब कंप्यूटर को जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना हो तो वो रैम तक नहीं जाएगा या वो रैम से डेटा फेच नहीं करेगा, उससे पहले वो सबसे पहले कैश में ट्राई करेगा। अगर उसको कैश में मिल जाता है तो वो प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, वो वहीं से इंस्ट्रक्शन पिक करके उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, वो वहीं से रीड राइट कमांड दे सकता है। तो कैश मेमोरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके प्रोसेसर को तेजी से काम करने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए हो और हमने सोचा हो ऐसा कि वो हमारे ड्रॉअर में होगी या हमारे कैश मेमोरी में होगी, लेकिन अगर वो हमें वहां पे ना मिले उस टाइम पे, तो ऐसे में हमें डिले का सामना भी करना पड़ता है, तो जिसको हम बोलते हैं कैश लेटेंसी। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर ने सोचा हो कि ये फाइल मैं यहां से ले लूंगा, उसके लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी कि वो कैश से फाइल उसके पास तक आ जाए, लेकिन कैश में वो फाइल नहीं है, इसके बाद में फिर वो रैम में जाएगी या हार्ड ड्राइव से एक्सेस होगी, या वो एक अलग बात है, तो इसको हम बोलते हैं कैश लेटेंसी। ज्यादातर जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं, i3 हो, i5 हो, i7 हो, इंटेल Xeon हो वगैरह वगैरह, इन सभी में आपको 2 MB, 3 MB, 6 MB, 8 MB, 12 MB तक की कैश मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 MB तो बहुत ही छोटा साइज है, लेकिन एक कैश मेमोरी के लिए वो बहुत बहुत ज्यादा है। उस 12 MB में वो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रीड राइट कमांड्स जो होते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स जो एकदम जल्दी जल्दी चाहिए होती है सीपीयू को, उनको स्टोर करके जो प्रोसेस है आपकी एक्सेसिंग उसको काफी ईजी बना देते हैं। दोस्तों, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एंड्रॉइड फोन में जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है। देखिए, जो मैं आपसे अभी तक बात कर रहा था वो तो था प्रोसेसर की कैश मेमोरी की, ये आपके फोन में भी मिलता है आपको देखने को, लेकिन जो आपको फोन के सॉफ्टवेयर में दिखाता है कैश मेमोरी, वो एक अलग चीज है। वो चीज है जो आपकी कोई भी एप्लीकेशन या आपके मोबाइल फोन ने किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कुछ भी डेटा को टेम्परेरी आपके फोन में सेव कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल मैप्स का यूज करते हैं और आपने अपनी सिटी में जगह जगह पे आपने जूम इन जूम आउट किया हुआ है, आपने उनको एक्सेस किया हुआ लोकेशन को, तो वो जो लोकेशन आपने एक्सेस की है वो टेम्परेरीली आपके फोन में एज अ कैश फाइल स्टोर हो
जाती है। इसका मतलब ये कि जब आप अगली बार वापस से उसी लोकेशन पे जाते हैं, जब आप थोड़ा जूम करते हैं, तो आपको डेटा कंज्यूम नहीं होता है आपका, क्योंकि टेम्पररी फाइल्स गूगल मैप्स ने ऑटोमेटिकली आपके फोन में स्टोर करी हुई थी, तो वो सीधा वहीं से उनको एक्सेस करके और आपको इजिली जो है वो रेंडरिंग कर देता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन है जो अपनी टेम्पररी फाइल्स, जिनको आप ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं बार बार, या जिनको आपने यूज किया होता है पहले, उन सभी को अपने फोन में स्टोर रखती है, जिसकी मदद से आप आगे चल के इनको तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये मेमोरी बहुत ज्यादा पड़ जाती है, ऐसे में हमको कैश क्लियर भी करनी पड़ती है। तो वो आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं उसके अंदर कैश का एक ऑप्शन होता है, तो आप कैश को वहां से क्लियर कर सकते हैं, तो वो टेम्पररी फाइल्स जो होती है वो क्लियर हो जाती है। अगर आप डेटा क्लियर करते हैं तो उस एप्लीकेशन का जितना भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा, जो आपकी यूजर डिटेल्स हैं या जो आपकी सेटिंग्स वगैरह हैं वो सब। तो ये जो है, ये है एंड्रॉइड फोन में कैश के बारे में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप कैश मेमोरी के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब आपको ये देखना है कि जब आप एक नया कंप्यूटर लेते हैं तो आपको उसमें कैश कितनी मिल रही है। हालांकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि 3 MB अच्छी है आपके लिए या 6 MB अच्छी है, लेकिन कहने का मतलब ये कि जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि इसको आप बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं रैम की तरह। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस लाल बटन पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।